हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा आपको पता है कि केएलडी क्लासेस के माध्यम से आपका मैथ का क्लासेस चल ही रहा, उसके साथ साथ आपका फिजिक्स और यानी केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी क्लासेस चालू हो चुके हैं। तो आपका यानी कहते हैं कि कल आपको यानी कि पार्ट नंबर सिक्स कराया गया था, यानी कि इसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। आज आपका पार्ट नंबर जो होगा वो आपका 7 होगा, यानी कह सकते हैं कल भी आपको 12 क्वेश्चन फिजिक्स के, 12 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, आज भी उसी तरह से 12 क्वेश्चन यानी कि कहते हैं फिजिक्स के रहेंगे और 12 क्वेश्चन लगभग आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। तो टोटल लगभग 24 से 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और यानी कि जो देखिए आज जो होगा आपका केमिस्ट्री में भी यानी कह सकते हैं कि कई क्वेश्चन रहेंगे जिसका यानी कि होता है कि वैल्यू वाला कह सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाला रहेगा, उसको आपको सॉल्व करना होगा। फिजिक्स में तो हमेशा वही उसी तरह से रहेगा। तो शुरू करते हैं आज का, यानी कि शुरू करते हैं आज के जो हमारे पहले क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पहला क्वेश्चन फिजिक्स का है। देखिए बीच बीच में आपके फिजिक्स के भी आते रहेंगे, बीच बीच में कहीं कहीं केमिस्ट्री के आते रहेंगे। आज रेगुलर सवाल नहीं मिल पाएगा, यानी कि पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री इस तरह से रहेगा। आज कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के रहेंगे तो फिर बीच में कहीं केमिस्ट्री का आ जाएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको आज समझ में आएगा कि यानी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, क्योंकि भाई कैलकुलेशन तो आता ही आता। आईआरटी में तो मैं कह सकता हूँ कि फिजिक्स में कैसे कैलकुलेशन रहता, केमिस्ट्री में भी कैलकुलेशन कभी कभी दे देता है। तो आज के ऐसे सवाल रहेंगे जो आपको समझना बस है, उसमें कुछ है नहीं, कैलकुलेशन आप करेंगे तो यानी कि आपका ही टाइम बर्बाद होगा। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िएगा। क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग से दोगुना हो जाता है वह है। यानी आपको कुल मिला के क्या निकाला, वह टेम्परेचर आपको निकाला, यानी कि वह ताप कौन सा है जिसपे यानी कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो ध्वनि का वेग होता है, यानी कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का जो वेग हो यानी कि वो दोगुना हो जाए बस। अब ये तो रटने वाली भी चीज है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे। देखिए आपको ये चीज पता होगा, कह सकते हैं कि अगर ध्वनि का जो वेग होता है या कह सकते हैं चाल जो कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड या ध्वनि, ध्वनि की चाल कह सकते हैं चाल कितना होता है, ये होता है आपका 332 मीटर प्रति सेकंड। ये आपको पता होगा, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो ध्वनि का जो चाल होता है यानी कि साउंड का जो चाल होता है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। लेकिन आपको एक पॉइंट और यहाँ पे क्लिक करना होगा, यानी कि अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, यानी कि किसी वस्तु या किसी भी पदार्थ का अगर हम कह सकते हैं कि उसमें 1 डिग्री सेल्सियस तापमान हम बढ़ाते हैं तो उसके वेग में कितने की वृद्धि होती है, 0.6 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है। 1 डिग्री सेल्सियस किसी भी अगर पदार्थ में बढ़ाते हैं, यानी कह सकते हैं किसी वस्तु के तापमान में बढ़ाते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करते हैं, उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, यानी कि 0.6 मीटर प्रति सेकंड। या इसी का उल्टा कह सकते हैं कि किसी वस्तु का वेग अगर हम 0.6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर हम बढ़ाते हैं तो यानी कह सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर यानी कि वस्तु का जो टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर में यानी कि पहले की तुलना में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। तो इसी को मैं रिवर्स कर देता हूँ यानी इस तरह से, तब आपका सवाल समझ में आए। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि 0.6 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि अगर हम 0.6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाते हैं किसी वस्तु का चाल तो कितना बढ़ता है टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस, समझिए। अगर हम माने उसका यानी कि 332 यानी कि कह सकते हैं कि उसकी चाल को 332 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे तो टेम्परेचर कितना, बस यही निकालना है। तो कितना होगा 332 और ये मीटर प्रति सेकंड कितना होगा, 1/ कितना होगा, 1/ आपका होगा 0.6 और ये आपका गुणा में चला जाएगा तो 332 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके दशमलव है, समझ आ रहा, तो दशमलव आपको हटा दीजिए, तो दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा एक, और यहाँ पे आपका हट जाएगा। देखिए मैं सीधे इस तरह से लिख दे रहा हूँ आपको थोड़ा सा सिंपल करके, 300 यानी कि 32 और 20/60 हो जाएगा। इसके बाद क्या देखिए इससे भाग दीजिए, यानी कि यहाँ पे मैं दे रहा हूँ यानी कि 33 20 हो जाएगा, तो आप 6 से भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, 6 5 30, यहाँ पे बचा 3 और 32, तो 6 5 यानी कि 30 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे कितना बचेगा बताइए, यानी कि 2 बचा यहाँ पे, 6 3 18 तो कितना होगा, यानी कि 553 553 और दशमलव में जाएगा तो कितना नहीं। अब देखिए कोई है इसमें 553 यानी कि ये 553 इसका जो आंसर होगा 553 यानी इस तरह से, ये आपका डिग्री सेल्सियस में होगा। तो 553 कहीं पे कोई दिया, यानी कि 553 कोई नहीं दिया, ऑप्शन दिया पहला दिया 819 डिग्री सेल्सियस, दूसरा दिया 533.3 डिग्री सेल्सियस, और तीसरा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो उपरोक्त है उसमें से कोई नहीं, यानी कि 553 डिग्री सेल्सियस इसका होगा। देखिए कहीं कहीं पे आप 332 के जगह पे 330 भी लेते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा वैल्यू अप डाउन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि वह तापमान आपको निकालना होगा जिस पे जो ध्वनि का वेग होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना होता है, कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है।
यानी कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे यही जो होगा वो दोगुना हो जाएगा। तो आपका दोगुना कितने पे होगा, यानी कि 553 यानी कि कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपका वो दोगुना हो जाएगा। तो ये था हमारे आज का पहला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि ये सवाल था और ये भी देखिए ये भी सवाल ही है तो आपको ये भी समझना होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका देखिए केमिस्ट्री से आ गया, क्वेश्चन ये है कि 10 ग्राम पानी यानी कि आपके पास 10 ग्राम पानी हो तथा 5 ग्राम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो में उपस्थित अणुओं का अनुपात कितना होगा। अनुपात दिया जैसे 2:1, 22:9, 44:9, इनमें से कोई। देखिए ऐसे जो सवाल है ये सब यानी कैलकुलेशन वाले, ये सब लंबे लंबे सवाल है, यानी कि लगभग अगर आप अगर हाई स्कूल या इंटर में लगाते होंगे तो आपको लगभग एक पेज तो लग ही जाता होगा यानी कि नॉर्मली। तो मैं यहाँ पे उतना लिखूंगा नहीं लेकिन आपको समझा दूंगा। देखिएगा तो देखिए सवाल बहुत अच्छा है, इसको देखिए इधर अभी समय लगेगा, जब तक इधर कह सकते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन में अभी आपके समय लगेंगे। क्वेश्चन ये था कि 10 ग्राम पानी, तो ये अगर जो आपका वाटर है यानी कि H2O, तो H2O का अणु भार कितना होता है ये बताइए, क्योंकि आपको जो निकालना अणुओं में अनुपात निकाला तो अणु भार आपको पता होना चाहिए। तो H2O का अणु भार कितना होगा, जैसे इसमें कितने हाइड्रोजन के परमाणु है यानी कह सकते हैं कि 2, तो 2 × कितना होगा 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 ही होता है, कह सकते हैं इस तरह समझ सकते हैं। ये देखिए प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा आपका 16, तो कितना होगा 18 हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन यानी कि जो H2O कितने अणुओं से यानी कुल मिला के बना है, तो आपके 18 यानी कि अणुओं से मिलकर। इसी तरह से अब आपको समझना होगा यानी कि जो आपको पहले इसको समझे, तो मैं इधर थोड़ा सा इसको अब स्टार्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि लंबा होगा सवाल। तो H2O में कितने हो गए अणुओं की संख्या बताइए, H2O में अणुओं की संख्या 18 हो गया, समझ सकते हैं। देखिए अब आपको ये समझना होगा कि अगर 18 ग्राम अणु होता है तो समझ सकते हैं उसमें यानी कि परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, यानी इस तरह से 18 ग्राम यानी कि अगर जल हो तो उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो ये मोल के बराबर, 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल किसके बराबर होता है, यानी कि 6.023 × 10^23 होता है, यानी कि ये जो होता है यानी कि 18 ग्राम जल जो होता है यानी कि इसके बराबर 1 मोल होता है। तो समझ सकते हैं इसी तरह से इसमें अगर 10 ग्राम जल हो, ये 1 ग्राम जल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 1 ग्राम का जल का होगा इसमें 18 अणु हो गए। अब आता है कि अगर 10 ग्राम हो तो 10 ग्राम के लिए कितने होंगे, यानी कि 10 ग्राम जल में कितने यानी कि अणु होंगे, यानी कि परमाणु की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप 10 का गुणा करते 6 यानी कि इस तरह से 0.23 × 10^23 कह सकते हैं, समझ में आ रहा। इसके बाद ये देखिए इसमें क्या करे हो, उसके बाद ये 18 से आपको भाग देना होगा तभी तो निकल पाएगा। इस तरह से आप इसको काटिए मत, यानी कि इसको काटिए मत, छोटा मत करिए, ऐसे ही रहने दीजिए। ये हो गया हमारे किसके लिए यानी कि H2O के लिए। अब आते हैं CO2 में, तो जैसे हमने निकाला कि H2O में अणुओं की संख्या 18, उसी तरह से CO2 का निकालिए, तो CO2 में कितने हो जाएंगे, CO2 में अणुओं की संख्या यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अणुओं की संख्या देखिए C कार्बन कितना होता है आपका 12 होता है यानी कि इस तरह से कह सकते हैं, और O कितना होता है यानी कि ऑक्सीजन आपका 16 होता है, तो CO2 तो C में कितना होगा यानी कि 12 और ऑक्सीजन में 2 है तो यानी कि कितना होगा 2 × 16, तो इस कितना हो जाएगा यानी कि 32 और 12 कितना होगा 44, इसमें 44 अणु हो जाएंगे। तो यही जो हमने किया है कि 18 ग्राम जल में इसमें, तो वही चीज इसमें भी करना होगा, यानी कि CO2 में कितना है दिया आपका यानी कि 44 ग्राम अणु में कह सकते हैं कि परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, यही होगा यानी कि 6.023 × 10^23 होगा। और यानी कि कैसे इसी तरह से 5 ग्राम जैसे आपका दिया क्वेश्चन में 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं की संख्या, देखिए क्वेश्चन एक एक लाइन का लेकिन कैलकुलेशन एक एक पेज का, इस तरह समझ सकते हैं। तो 5 ग्राम कह सकते हैं कि CO2 में किसमें हो जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा हो जाएगा और 6 × 6.2 यानी कि 0 आप लगा सकते हैं, 2 × 10^23 और यहाँ पे आपको यानी कि 44 से भाग देना होगा। तो ये हो गया। अब देखिए आपको बस दो ही लाइन याद करना होगा, एक लाइन ये एक लाइन ये। अब इसी का बस इसको मिटा के मैं आपको कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ कि कैसे करना होगा, बस ये सब हटा दीजिए। देखिए बस ये याद रहे, एक लाइन ये वाला और एक लाइन ये, तभी आपका हो पाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, देखिएगा बस आप इतना याद रहिए। देखिए अब क्या करिए, बस इससे इसमें भाग दीजिए, जब वो आएगा वही भाग करना, वही इसका आंसर हो, क्योंकि ये देखिए ये 10 ग्राम H2O में हो गया, अब ये आपका हो गया 5 ग्राम में यानी कि CO2 में, बस इसका अनुपात ही तो पूछा था अणुओं के, यानी कि इस तरह से निकालिए। तो क्या करें, इसमें यानी कि हम इससे भाग देंगे, यानी कि इसमें इससे हम भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो ये कहां जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा यानी कि 44 और ये कहां पर रह जाएगा, नीचे आएगा, तो 5 × 6.023 × 10^23 हो जाएगा। बस में आप इसको मिटा दीजिए, इसको कोई काम ही नहीं कर सकते। चलिए ये हो गया यानी कि 10 ग्राम / 5 ग्राम यानी कि अणुओं की संख्या इस तरह से। तो ये H2O का होगा, ये आपका किसका होगा, ये कुछ है ना, ये इसको आप नहीं मानिएगा, ये हो गया यानी कि H2O के 10 ग्राम यानी कि कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या यानी कि 10 ग्राम में, और ये होगा आपका CO2 में 5 यानी कि 5 ग्राम में अणुओं की संख्या, बस ये अनुपात है। तो देखिए यहाँ पे 6 ये वाला तो सेम है यानी कि 6.02 × 10^23
ये आपका कट जाएगा। तो बचेगा कितना, देखिए कुछ कट रहा हो, यहाँ से 5 से 10 कट जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा, और ये आपका कट जाएगा कितना होगा, ये 9 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो, यहाँ से 44 और यहाँ से कितना बचा 9, तो यानी कि 44:9 ये बता सकते हैं। अब देखिए आपको लग रहा है यार ये तो एक ही लाइन का क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन तो एक लाइन का, कैलकुलेशन कितना, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा कैलकुलेशन। केमिस्ट्री में भी कभी कभी आपको एकदम परेशान कर देगा यार क्वेश्चन का कहने मतलब कुछ दूसरा है, आपको समझना होगा। तो इसीलिए क्वेश्चन को एक बार मैं हल्के से और समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि 10 ग्राम पानी तथा 5 ग्राम CO2 में उपस्थित अणुओं का अनुपात कितना होगा, ये आपको निकालना था। तो जैसे आपको पता होगा कि यानी कि अगर H2O का आप यानी कि अणु भार निकालें कितना होगा, जैसे यानी H2O तो हाइड्रोजन का एक होता है, कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, और ऑक्सीजन का कितना होता है, इस तरह से आपको 16 होता है इस तरह से। तो 16 तो कितना होगा, 18। उसी तरह से जैसे हमने H2O का 18 निकाला, उसी तरह से CO2 का यानी कि अणु भार कितना होगा, जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो 16 दुना 32 और 32 में 12 जोड़ेंगे तो 44 होगा। एक मोल किस यानी कि कह सकते हैं कि एक अगर अणु होता है तो उसमें कितने यानी कि कह सकते हैं उसके बराबर ही होता है, यानी कि एक मोल के बराबर, और एक मोल आपके किसके बराबर होता है, एक मोल यानी कि 1 पॉइंट यानी कि इस तरह से देखिए 1 पॉइंट में यानी कि 6.02 गुड़े यानी कि 23 गुड़े 10 पे घाते 23। तो देखिए यहाँ पे आप 22 भी ले सकते हैं, 23 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या सीधे सीधे दो ही अंक तक लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 6.02 ही तक लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं आज के तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए इधर जितने भी लगभग 3-4 क्वेश्चन आएंगे वो एकदम सिंपली रहेंगे, बस आपको लाइन बाय लाइन समझना होगा। क्वेश्चन है कि धातु के विद्युत शोधन में ऋणोत बनाया जाता है, जैसे धातु का अगर हम कह सकते हैं कि शोधन कर रहे हैं तो उसमें जो एक एनोड होता है यानी कि कह सकते हैं एनोड होता है, एक आपका कैथोड होता है, उसमें जो ऋणोत होता है यानी कि जिसपे ऋण यानी कि नेगेटिव चिन्ह होता है वो किसका बना होता है, शुद्ध धातु से, शुद्ध अथवा अशुद्ध दोनों धातु से, अशुद्ध धातु से, और लास्ट में दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो बना होता है यानी कि जो निगेटिव वाला जो होता है टर्मिनल वो हमेशा यानी कि शुद्ध धातु से बना होता है, समझ सकते हैं, यानी ये आपका जो होगा शुद्ध धातु से बनता है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यानी कि शुद्ध धातुओं से आपका जो होता है नेगेटिव टर्मिनल बना होता है। आगे बढ़ते हैं यानी कि चौथे नंबर क्वेश्चन पे, जहां पे समझाने लायक होगा मैं वहां पे समझा दूंगा, और जहां पे पढ़ने लायक होगा वहां पे पढ़ जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन इसमें भी कोई समझाने लायक नहीं है, देखिए चौथा क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन ये है कि जब एक साधारण वायु दाब मापी को झुकाया जाता है तो पारे की लंबवत ऊंचाई, यानी कि देखिए वायु दाब मापी का मतलब क्या होगा, यानी कि जिससे वायु को नापा जाता है, जैसे होता है कि कितने तेज से हवा चल रही है, जैसे होता है ना कि तूफान आ गया यार हवा बहुत तेज चल रहा है इसका मतलब, तो उसको नापने के लिए आपका वायु दाबी का मापक यंत्र का यूज किया जाता है। अगर हम जैसे इस तरह समझ लिया आपके पास ये आपका यानी कि कह सकते हैं वायु दाबी यानी कि पैरामीटर यानी कि यंत्र है, अगर हम इसको इस तरह से झुका दें, कह सकते हैं ये कह रहा है कि इसको अगर आप झुका दीजिए तो जो पारा होगा इसमें देखिए जो यानी कि मापक यंत्र है यानी कि वायु दाबी में या कोई भी हो, चाहे आप यानी कि थर्मामीटर ले सकते हैं, उसमें क्या भरा रहता है, जिससे भी मापा जाता है कोई भी चीज यानी कह सकते हैं यंत्र होता है, अगर उसमें कुछ भरा है लिक्विड के रूप में तो यानी कि वो पारा ही भरा होता है। तो ये भी समझे, तो ये इस तरह से होगा, यहाँ पे वाले पारा होगा, इसको अगर हम इस तरह से बॉन्ड यानी कि इस तरह से झुका दें तो पारा क्या होगा, यानी कि पारा का जो आकार होगा क्या होगा, जैसे गिरेगा क्या पारा यानी कि नीचे चला जाएगा, दूसरा दिया क्या बढ़ेगा यानी कि पारा आकार या क्या बढ़ जाएगा यानी कि और भी बड़ा हो जाएगा इस तरह से होगा, और तीसरा दिया कि वही रहेगा यानी कि जो पहले था यानी कि जैसे यहाँ पे था जितने लेवल पे क्या उतना ही लेवल पे रहेगा या इनमें से कुछ नहीं होगा। तो देखिए जब भी यानी कि झुकाया जाएगा तो इसका जो पारा का लेवल जो होगा वो इसमें बढ़ेगी यानी कि कह सकते हैं कि वृद्धि होगा, यानी कि लेवल जो होगा उससे थोड़ा सा असर बढ़ जाएगा, तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि आज के पांचवें नंबर क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन अगर आप वैसे ही बताना चाहें तो आप क्वेश्चन का आंसर वैसे ही बता सकते हैं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लेकिन मैं क्वेश्चन को लगवाऊंगा, बिना क्वेश्चन लगवाए कैसे कर सकता हूँ, देखिएगा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा यानी कि देखने में, लेकिन मैं यानी कि पूरे क्वेश्चन को दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, यदि वह एक पुस्तक को आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ना चाहे तो लेंस का प्रकार तथा फोकस दूरी, दो चीज निकालना, यानी कौन सा लेंस यूज करें और यानी कि फोकस दूरी। तो आप यहाँ पे सीधे सीधे लेंस तो बता सकते हैं यानी कि कौन सा लेंस लगा समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फोकस दूरी निकालने के लिए आपको फार्मूला याद करना होगा, तो मैं सबको यानी कि ना, तो सबसे पहले ये देखिए मैं इसमें एक चीज दिया है कि दूरदृष्टि दोष, सबसे पहले ये समझिए कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है, यानी कि जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु यानी कि साफ दिखाई दे, कह सकते हैं जब किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु अच्छी तरह से दिखाई दे तो यानी कि, और नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई दे तो उसको दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो अच्छी दिखाई देगा उसका उल्टा नाम हो, देखे अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो कह सकते हैं कि निकट की वस्तु उसको दिखाई देगी पर दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी, ये निकट दृष्टि दोष, इसका उल्टा होता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझना होगा कि एक मैंने ट्रिक भी बताया था, DUN, DUN,
यानी कि दूर दृष्टि दोष किसी व्यक्ति को हुआ होगा, यानी कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु अच्छी से दिखाई देगी और निकट की वस्तु नहीं अच्छे से दिखाई देगी, तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा। तो दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको कौन सा लेंस यूज किया, यानी कौन से उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहेगा, यानी कि कह सकते हैं कौन सा होता है उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस लगा रहेगा। तो यही कहने मतलब आपने यहाँ से एक चीज तो निकाल लिया होगा कि अगर उस व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगा होगा, यानी कि उत्तल लेंस। इसका मतलब ये हो गया कि आंसर में तो उत्तल लेंस आएगा ही आएगा, बस आपको समझ। और अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस, अवतल लेंस लगा होगा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे एक व्यक्ति है जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, कह सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, यानी कि उत्तल लेंस तो आएगा। अब हम निकालने की कोशिश करेंगे फोकस दूरी। चलिए आप देखिए, यानी कि अगर लेंस के लिए आप यानी कि कह सकते हैं कि होता है ना कि फोकस दूरी के बारे में पढ़ते हैं और अगर दर्पण के बारे में पढ़ते हैं तो सूत्र आपको अलग अलग होता है। यानी कि 1/f क्या होता है, यानी कि लेंस के लिए 1/f बराबर क्या होता है, यानी कि 1/ यानी कि वी माइनस 1/u होता है। ये किसके लिए होता है, ये लेंस के लिए होता है। अगर दर्पण होता तो यहाँ पे बीच में क्या होता, प्लस हो जाता। देखिए अब यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया, किसकी वैल्यू निकालना होगा, तो निकालना तो हमको f की है, कह सकते हैं। देखिएगा अब इसमें दिया है, कह रहा है कि अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। यदि वह एक वस्तु को आग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ना चाहे, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि कह सकते हैं कि ये जो 30 दिया है क्या है, यानी कि कह सकते हैं ये आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी दिया है, तो यानी कि v की वैल्यू दिया है। यानी कि देखिए की वैल्यू कितना दिया है, यानी कि v की वैल्यू जो आपका दिया है यानी कि -50 सेंटीमीटर समझ सकते हैं। और यानी कि u की वैल्यू दिया है यानी कि -30 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करिए, इसमें रख दीजिए, f की वैल्यू आ जाएगा तो 1/f हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, देखिए 1/v, v की वैल्यू दिया है यानी कि कह सकते हैं माइनस के साथ तो 50 हो जाएगा, -1/50। और ये देखिए माइनस यहाँ का माइनस यहाँ का तो प्लस हो जाएगा, 1/ कितना होगा 30 हो जाएगा। अब इसका आप लैसे लीजिए, यानी कि 50 और 30 का लैसा कितना होता है, तो आपका 150 होता है, 150 तो 5 3 कितना होगा यहाँ पे, यानी कि सीधे सीधे -3 होगा और प्लस 3 5 15 और 1/f। देखिए अब क्या करें, 5 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, यानी कि 1/f बराबर कितना होगा 2/150। तो इससे कहा लिए कितना होगा 1/75, तो 75 यानी कि f बराबर कितना होगा 75 सेंटीमीटर। अब ये बताइए, समझिएगा, यानी कि अगर समझिएगा यहाँ पे एक चीज समझ लीजिएगा, यानी कैसे है? अगर मान ली आपने जैसे हमने बता दिया कि दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें उत्तल लेंस लगेगा, अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो यानी कि अवतल लेंस लगेगा। अगर ये आपने पहचान पर आपको वो चीज नहीं याद है तो कैसे निकालेंगे, अगर f की वैल्यू समझेगा, अगर f की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यानी कि आपका उत्तल लेंस लगा रहेगा, अगर f की वैल्यू निगेटिव आती है, निगेटिव साइन के साथ आता है, तो वहां पे अवतल लेंस लगा रहेगा। यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना होगा, देखिए 75 सेंटीमीटर, f की वैल्यू कितना आया है 75 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस आएगा। तो इसका देखिए कौन सा दिया, 75 सेंटीमीटर और उत्तल लेंस, 75 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस। तो आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो राइट आंसर होगा। तो ये जो भी क्वेश्चन हो, चौथा या पांचवा जो भी कौन सा था, यानी कि पांचवा क्वेश्चन था, तो अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। अभी इस पे एक क्वेश्चन और आएगा जो लास्ट में हो सके आएगा। चलिए क्वेश्चन है कि समांतर प्रयोग होने वाली सुरक्षा फ्यूज तार बनी होती है। देखिए कल भी हमने एक फ्यूज पे बनाया था क्वेश्चन, यानी कि जो आपका प्रतिरोध था, उच्च प्रतिरोध घनत्व वाला जो क्वेश्चन था, तो उसी तरह से क्वेश्चन ये है कि आज ये पूछा जा रहा है कि जो फ्यूज वायर होता है वो किसका बना होता है, सीसा तथा निकिल मिश्र धातु से, निकिल तथा यानी कि निकिल अथवा नाइक्रोम दोनों एक साथ नहीं है, यानी कि या तो निकिल से बना लो या तो नाइक्रोम से। और तीसरा दिया कि ताबा टीन तथा शीशे के बने होते हैं, और लास्ट में दिया कि टीन तथा निकिल मिश्र धातु किससे बने होते हैं। देखो आपका फ्यूज तार होता है, फ्यूज वायर होता है, समझिएगा, यानी कि जिसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है, यानी कि निम्न होता है, समझ सकते हैं। देखिए तो ये जो होता है, यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है, यानी कि ताबा टीन व शीशा, समझ सकते हैं, यानी कि इस तरह से इन तीनों चीजों का मिश्रण करके ये बनाया जाता है, कह सकते हैं आपका जो फ्यूज वायर होता है, एफ यू एस ई फ्यूज वायर जो होता है, ये तीनों को मिला के बनाया जाता है, समझ सकते हैं। जिसका क्या होता है, गलनांक क्या होता है वो यानी कि कम होता है, और उसका प्रतिरोध रखता है, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो उच्च होता है, यानी कि उच्च प्रतिरोधक कह सकते होता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़े यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का भाग नहीं होता है, समझ सकते हैं, यानी कि डीसी करंट का कौन सा पार्ट नहीं होता है, यानी कि इसके बिना भी हम डीसी करंट का यानी कि कह सकते हैं कहीं पे भेजना हो या यूज करना हो हम उसको यूज कर सकते हैं, वो न रहे तब भी। तो देखिए आपका दिया आर्मेचर, दूसरा दिया दिशा परिवर्तक या जिसे हम कम्यूटेटर भी कहते हैं, तीसरा दिया सर्पिवल जिसे हम स्लिप रिंग कहते हैं, और चौथा दिया है क्षेत्र चुंबक, या किसके कारण, यानी कि किसकी अगर मतलब हमको आवश्यकता ही नहीं है। इसमें जो कम्यूटेटर होता है यानी कि दिशा जो परिवर्तक होता है, कह सकते हैं दिशा जो परिवर्तक होता है इसकी हमको आवश्यकता नहीं होती, यानी कि कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होती, कह सकते हैं। आपने पढ़ा होगा यानी कि कह सकते हैं कि देखिए होता क्या कि जब डीसी कोई भी मशीन होगा, समझिएगा डीसी कोई भी मशीन होगा, कह सकते हैं,
तो उसमें क्या होगा, यानी कि मोटर तो लगा ही होगा, जब मोटर लगा रहेगा तो उसमें आर्मेचर रहेगा ही रहेगा, आर्मेचर रहता ही रहता है। उसके बाद सर्पिवल है, सर्पिवल का मतलब होता है इस तरह से जो, यानी कि उस पर जोड़ होता है, कह सकते हैं, ठीक है, यानी कि जैसे होता है यानी कि आटा चक्की पे जब आप पिसाने जाते हैं तो जो उसमें चलता है वो जिसके अंदर बंद रहता है वही आपका सर्पिवल होता है। क्षेत्र चुंबक, यानी कि जब चुंबक, यानी कि कहते हैं जब वो नाचेगा, कोई भी चीज होता है सब पंखा ही नाचता है, तो जब नाचेगा कह सकते हैं तो उसमें क्या होगा, चुंबक उत्पन्न होगा, तो वही उसी चुंबक के नाते ही आपका जो होता है यानी कि मशीन होता है, यानी कि डीसी जो मशीन होते हैं वो कार्य करते हैं। तो इसके लिए कह सकते हैं कि आपको डीसी के लिए कौन कौन से, यानी कि डीसी मशीन के लिए कौन कौन चीज आपको चाहिए, यानी कि आर्मेचर चाहिए, सर्पिवल चाहिए और आपको क्षेत्र चुंबक चाहिए, उसके लिए आपको क्या नहीं चाहिए, यानी कि दिशा परिवर्तक की आवश्यकता नहीं होती है, कह सकते हैं। चलिए आगे बताए, दिशा परिवर्तक जो होता है दिशा को मापन में दिशा को बताता है, तो इस दिन दिशा की कोई जरूरत ही नहीं कि कहां जा रहा कहां नहीं। चलो आगे क्वेश्चन है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होता है, नाभिकीय ऊर्जा जो होता है यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी कहां से प्राप्त होता है, किसके द्वारा, यानी कब कौन सा पदार्थ जो टूटता है तो आपका न्यूक्लियर एनर्जी उत्पन्न होता है। न्यूट्रॉन के टूटने से, बीटा कणों के टूटने से, इलेक्ट्रॉन के टूटने से, प्रोटॉन के टूटने से, बताइए कहां से प्राप्त होगा, यानी कि जो आपका नाभिकीय ऊर्जा जो होगा, नाभिकीय आपके न्यूट्रॉन जब टूटते, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा, यानी कि जब न्यूट्रॉन यानी कि जिसपे कोई चार्ज ही नहीं होता, कह सकते हैं उदासीन होता है, तो जब न्यूट्रॉन टूटता है कह सकते हैं किसी भी पदार्थ से, तो उसमें से क्या होता है यानी कि आपका यानी कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो ये सब एक एक लाइन यानी कि वन लीनियर क्वेश्चन है, जिसमें जहां पे यानी एक्सप्लेन करने लगा हो वहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक, सिंबल आते रहते, देखिए केमिस्ट्री में सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सिंबल ये किसका क्या है, अभी कल भी हमने यानी कि साल्टपीटर का भी लगवाया था, साल्टपीटर की याद है कि नहीं, यानी ये वाला के NO3 ये याद है कि नहीं, यही तो हमने बताया था कल, साल्टपीटर कह सकते या पोटेशियम नाइट्रेट वही होता है साल्टपीटर। इसमें ये पूछा गया कि मर्क्यूरस आयन का प्रतीक क्या होगा, यानी कि Hg2 यानी उस पर पावर 2 प्लस, यानी कि Hg2 उस पर प्लस 4 चार्ज, H2 यानी कि उस पर प्लस 1 चार्ज, H2 माइनस 2 चार्ज। इसमें जो सही होगा यानी कि कह सकते हैं कि Hg, देखिए ये Hg2 और इस पर 2 प्लस चार्ज, यानी कि ये जो होता है आपका मर्क्यूरस कह सकते हैं कि आयन का प्रतीक होता है। तो इसमें क्या समझाया, इसमें तो कुछ है ही नहीं कह सकते। चलिए आगे ये समझे, इसमें आपको समझाने लायक है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्व संक्रमण है, यानी कि आप समझना होगा पहले संक्रमण किसे कहते हैं, कौन से ब्लॉक वाले को होता है ना कि डी ब्लॉक, यानी कि कहते हैं इस तरह से पी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी कि चाली ब्लॉक तो आपने यानी कि कहते हैं मेंडेलिव की सारणी में आपने पढ़ा होगा। तो इसमें यह क्वेश्चन है कि तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा, जोड़े के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी कि HC, यानी कि HC का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन, PT यानी कि आप समझ सकते हैं, और C दिया यानी कि और FE, PT और निकिल और कैल्शियम। तो इसमें जो आपका सही होगा वो होगा FE और PT, यानी कि ऑप्शन नंबर जो C होगा, FE और प्लेटिनम कह सकते हैं, देखिए या फिर लोहा होता है, PT का वाला होगा प्लेटिनम कह सकते हैं। ये जो धातु है कह सकते हैं ये आपके जो है ये संक्रमण धातु है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यानी कि संक्रमण क्या होता है, यानी कि ट्रांजिशन जो होता है संक्रमण धातु, संक्रमण धातु देखिए ये होते हैं जो आपके यानी कि डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं कह सकते हैं वो आपके संक्रमण यानी कि कह सकते हैं कि तत्व कहे जाते हैं, धातु कहे जाते हैं। देखिए होता क्या क्या कंडीशन होता है कि ऐसे तत्व जिनके यानी कि ऐसे थे कि बाहरी कोष पूरी तरह से भरे न होते, यानी कि मैं डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, यानी कि डी ब्लॉक में ऐसे तत्व जिनके यानी कि कह सकते हैं कि लास्ट के या बाहरी कोष जो होते हैं यानी कि कह सकते हैं आउटर जो कोष होते हैं वो पूरी तरह से भरे नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं यानी कि आप संक्रमण धातु कह सकते हैं। तो इसमें कई आपके देखिए पीटी हो गया यानी कि ये हो गया, इस तरह से आप मैं तो एक एग्जांपल और दे देता हूँ, यानी कि जैसे CU होता है यानी कि कॉपर भी होता है और आपके जिंक भी होता है, इस तरह से आपके जो होते हैं ये आपके संक्रमण धातु होते हैं, संक्रमण धातु डी ब्लॉक के अधिकतर धातु वही पाए ही जाते हैं समय पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, देखिए ये जो है आपका सवाल है, सवाल को मैं लगवा रहा हूँ, देखिएगा बहुत अच्छा सवाल है, फिजिक्स का सवाल है ये, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन ये दिया है कि एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ कर 20 सेकंड तक समान त्वरण से चला, यानी कि एक वस्तु है कोई सकते हैं या कोई कण है जो यानी कि 20 सेकंड तक यानी कि समान त्वरण से जितने उसने त्वरण था उसके पास उसी के यानी कि लगातार उसे चलता जा रहा है, यदि यह पहले 10 सेकंड में S1 दूरी चलता है तथा अगले 10 सेकंड में S2 दूरी चलता है तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा, S2 बराबर 3S1 और S2 बराबर 4S1, S2 बराबर S1 यानी क्या ऐसे बराबर होगा, और दूसरा दिया कि S2 बराबर 2S1 क्या होगा यानी कौन सा ऐसा सही होगा, ये आपको बता ये समझना होगा इस क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए तब आपका थोड़ा सा और क्लियर होगा, मैं अब इस क्वेश्चन को यहीं से समझाते चलूंगा क्योंकि जब समझाऊंगा तब आपको और क्लियर होगा।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कण है जो स्थिर अवस्था से, यानी कि कह सकते हैं कि एकदम स्थिर था, मतलब कि होता ना कि बैठे हो आराम कर रहे हो कह सकते हैं, तो कह रहे हैं स्थिर अवस्था से प्रारंभ कर 20 सेकंड तक, यानी कि समांतर से, यानी कि एक बार आप उसको 20 सेकंड तक समांतर से चला रहे हो, उसके बाद कह रहे हैं कि चलिए ये तो हो गया समांतर से, यानी कि, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं आप 20 सेकंड आपको चलाना है, तो पहले क्या करिए, यदि यह पहले 10 सेकंड से 10 सेकंड में S1 दूरी तक चलता है, यानी आप S1 दूरी तक जाए, और उसके बाद कह रहे तथा अगले 10 सेकंड में S2 दूरी चलता है, तो क्या रिलेशन निकलेगा, यानी एक बार समांतर से एक बार 10 सेकंड तक चले S1 दूरी, फिर अगले बार 10 सेकंड यानी कि S2 दूरी चले, तो टोटल क्या रिलेशन निकलेगा, तो समझिए देखिए, यानी कि कह सकते हैं कि पहले 10 सेकंड में, पहले 10 सेकंड में समझिएगा, पहले 10 सेकंड में उसके यानी उसके द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, समझिएगा, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि S बराबर क्या होता है, यानी कि S1 मैं मान लेता हूं, यानी कि UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है, यानी कि S मैं सीधे सीधे S मानिए, चाहे S1 यहां पे आप S1 ही मानिए तो आसान हो जाएगा, तो S1 क्या होगा, UT प्लस हाफ AT, तो कह रहा है यहां पे क्या दिया, कह रहा है स्थिर अवस्था, तो जब स्थिर अवस्था चल रहा है इसका मतलब क्या होगा, वहां पर प्रारंभिक वेग क्या होगा, जीरो होगा, तो जब यू जीरो होगा तो आपका यहाँ पे क्या होगा, TV जीरो हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, यानी कि हाफ ए, तो ए मतलब आपको दिया है कि ए का वैल्यू दिया है त्वरण, यानी कि इस तरह से रखें ए टी, यानी कि कितना दिया बताइए, टी आपका दिया है यहाँ पे आपका 10 दिया, कह सकते हैं देखिए पहले 10 सेकंड में मैंने पहले लिखा 10 सेकंड में, तो टी की वैल्यू 10 होगा, इसका वर्क कर लिए, यहाँ पे कितना होगा देखिए 100 हो जाएगा, यानी कि सीधे सीधे एक बार ले देखिए यहाँ पे 100, मैं सीधे सीधे 100 लिख रहा हूँ, आपको आसान हो जाएगा, देखिए एक लाइन बच जाएगा, यहाँ से आप इसको काट लिए कितना हो जाएगा, यानी कि 50A हो जाएगा, ए किसके बराबर हो गया, S1 के बराबर, यानी कि जो आपका होगा यहाँ से आप ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत होगा, S1 किसके बराबर होगा, 50A के बराबर होगा। अब आगे यहाँ पे कह रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ में 20 सेकंड तक चल, आप सीधे 20 सेकंड, यानी कि देखिए जब 20 सेकंड में चल रहा है तो वो टुकड़ों में नहीं चला, वो सीधे यानी कि लगातार चल रहा है, जितना भी दूरी S1 और S2 दोनों चलना है, तो यानी कि अब कह रहा है कि अब आगे 20 सेकंड में, यानी कि 20 सेकंड में चली गई दूरी, तो यानी कि क्या होगा S1 प्लस S2, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों एक ही साथ चला, उसमें रुका नहीं है, एक बार सीधा आप चले जाए, और एक आदमी होता है कि पहले 10 सेकंड चला फिर आगे 10 सेकंड चला, तो इसमें कोई रुक नहीं है, सीधे सीधे चला जा रहा है, तो S2 बराबर वही फार्मूला हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं आपका UT और प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका ये तो भाई जीरो हो जाएगा क्योंकि स्थिर अवस्था से जा रहा था, तो कितना हो जाएगा आपके पास हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा S1 प्लस आपका S2 हो जाएगा, समझ सकते हैं, तो हाफ ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू हमने यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एक वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, देखिए एक वैल्यू आप निकालेंगे कितना आएगा, यहाँ से एक वैल्यू आपका हो जाएगा, यानी कि S1/50 हो जाएगा, समझ सकते हैं, तो S1/50 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि S1/50 हो जाएगा इस तरह से, और गुणे टी कितना होगा, बताइए टी आपका जो होगा यानी कि 20 का होल स्क्वायर होगा, कैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, या ऐसा नहीं लगाना चाहते तो आप सीधे सीधे S1 और प्लस S2 निकालिए, मैं आपको थोड़ा सा और यानी कि जल्दी करा दे रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा, ये ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों ऐसे रहने, अभी देखिएगा समझे, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा 1/2 ए की वैल्यू वैसे रहे क्योंकि निकाल ही नहीं रहे, टी की वैल्यू कितना दिया यानी कि 20 सेकंड में, तो 20 × 20 समझिएगा, इसके बाद क्या होगा यहाँ से ये कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 × 2 यानी कि 20 कितना होगा 200, तो 200 कितना हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा S1 प्लस S2, इसके बाद आप क्या करिए यानी कि इसमें इससे भाग दिए यानी कि S1 प्लस S2 बाई कितना के लिए S1 के लिए, समझिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे 200A है, तो आप 200A करिए और इससे 50A से भाग दिए क्योंकि यहाँ पे भाग ही दे रहे हैं, तो 50A से A कट जाएगा और 5 × 20 यानी कितना आ जाएगा 4, S1 प्लस S2 बटे कितना होगा, S1 बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा, तो 4 का गुणा इसमें गुणा करिए कितना होगा यानी कि S1 प्लस S2 बराबर कितना होगा 4S1 हो जाएगा, अब देखिए क्या करिए S1 को इधर ला दीजिए, समझ सकते हैं, तो S1 लाएंगे तो किधर कितना होगा S2 होगा, S2 हमारा कितना होगा 3S1 के बराबर होगा, इस तरह समझ सकते हैं, तो ये आपका रिलेशन निकलेगा, यानी कि कह सकते हैं कौन सा सही होगा बताइए, यानी कि S2 बराबर 3S1 कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है, यानी कि S2 बराबर 3S1 ये, देखिए ऐसे सवाल देखिए आप समझ सकते हैं कि कितने यानी कि क्वेश्चन आपके टफ आ रहे हैं, कह सकते हैं ठीक है, या कि प्रैक्टिस सेट के ही क्वेश्चन है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चन यानी कि 2018-2017 के जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटेक्निक और IIT में वहीं से क्वेश्चन ही उठाया गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के एक बार और अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कण स्थिर अवस्था से प्रारंभ कर 20 सेकंड तक समान त्वरण से चला, तो ये आपका ये जो है यानी कि जो हमने निकाला है S1 S2 ये वाला जो पार्ट है ये यानी कि देखिए समझिए जो ये हमने निकाला ये बीच यानी कि लास्ट लाइन से निकाला, और ये या अगर इसको भी पहले आप निकाल सकते इसको बाद में, लेकिन अगर आपको पहले S1 S2 लिख लेंगे तो आपको समझ क्योंकि टुकड़ा में ये नहीं चल रहा है, जो 20 सेकंड वाला जो चल रहा है वो टुकड़ा में वो डायरेक्ट चल रहा है, समझ, तो S1 S2 दोनों मिला के सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है, तो आप चाहे S1 प्लस S2 को S भी मान सकते हैं, तो उसमें आपको S1 और S2 में समझने में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज के यानी कि जो भी कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, चलिए
बारह नंबर क्वेश्चन है कि 9 मोल आदर्श गैस, आदर्श गैस आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि कह सकते हैं आइडियल यानी कि गैस जो होता है आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। 9 मोल आदर्श गैस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पर थी इसी दाब पर तब तक गर्म किया जाता है जब तक कि उसका आयतन दोगुना होता है। आयतन दोगुना होने पर गैस का ताप कितना होगा? 546 डिग्री सेल्सियस, 136.5 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि कह सकते हैं आपने एक कंडीशन भी पढ़ा होगा, यानी कि आइडियल कह सकते हैं कि गैस के लिए अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। देखिए क्या होता है ये समझते हैं, देखिए एक बार क्वेश्चन का यानी कि थोड़ा सा हल्का सा पढ़ लें क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजों का कोई मतलब ही नहीं रह सकते। देखिए क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि 9 मोल आदर्श गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पर थी, यानी कि वो 0 डिग्री सेल्सियस होती थी स्थिर दाब पर, यानी कि जो दाब है, देखिए यहाँ पे समझ रहा होगा, यानी कि जो दाब होगा वो क्या है, समझेगा, दाब का है आपका फिक्स है यानी कि स्थिर है। तो जब आपका दाब स्थिर हो जाएगा, समझ सकते हैं, जो दाब आपका स्थिर हो जाएगा तो कह रहे हैं कि तब गर्म किया जाता है तब तक उसका आयतन दोगुना हो जाता है, कह सकते हैं। तो आयतन दोगुना होने पर गैस का ताप कितना होगा? तो देखिए आपने एक कंडीशन भी पढ़ा होगा, V1 अपान T1 बराबर, यानी कह सकते हैं कि आपको V2 अपान आपका T2, ये आपका इस तरह से कह सकते हैं। तो ये कब होता है, यानी कि जब आपका जो दाब होता है, यानी कि जो प्रेशर होता है वो आपका स्थिर होता है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होता। तो ये आपका फार्मूला होता है V1 अपान T1 बराबर V2 अपान T2। V1 क्या है, यानी कि पहले जो पदार्थ था उसका यानी कि आयतन, और T1 क्या है, टेम्परेचर, पहले कितना टेम्परेचर था, और V2 क्या है, यानी कि दूसरी बार जब दूसरा बार जब चेंज हो रहा है उसका आयतन क्या हो रहा है, और T2 यानी कि जब दोबारा चेंज हो रहा है उसका यानी कि टेम्परेचर क्या होगा। बस अब इसमें वैल्यू रख लीजिए, देखिए किसके किसके वैल्यू दे रखा, समझिएगा। तो इसमें कह रहा है कि यानी कि कैसे जब तक कि उसका आयतन दोगुना हो जाए, यानी कि देखिए पहले कितना था आयतन उसका, कितना था, वी था, यानी कि तब तक उसको गर्म कीजिए जब तक उसका आयतन दोगुना, यानी कि दोगुना मतलब पहले वी था तो अब कितना हो जाए, दोगुना हो जाए। अब यहाँ पे टी की बात किया, देखिए टी कह रहा है कि पहले कितना था, पहले इसका टेम्परेचर कितना था, यानी कि आपका पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, यानी कह रहा है कि इसको उतना यानी कि गर्म करिए कि जितना उसका कह सकते हैं कि गैस का ताप हो जाए। आदर्श गैस होता है यानी कि जब आइडियल गैस होता है तो उसमें जो टेम्परेचर होता है वो 273 होता है, यानी कि पहले कितना रहा होगा, 0, यानी कि 0 प्लस 273, इसके बाद कितना होगा, कह रहा है कि अब दोबारा जब यानी कि उसको जब उसका आयतन दोगुना हो रहा है तो उसके बाद टेम्परेचर कितना होगा, तो टेम्परेचर कितना होगा टी, और पहले कितना था आपका 273। बस यहाँ से हल कर लिए, वी से वी कट जाएगा तो बचेगा कितना, इसके बाद यहाँ पे इसका गुणा कर लिए कितना हो जाएगा, यानी कि टी और प्लस 273 हो जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, देखिए ये आप यहाँ पे दो का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे आपका होगा 2×273, तो अब देखिए यहाँ पे 273, यहाँ पे 2×273, तो भाई इधर लाएंगे तो खत्म हो जाएगा, यानी कि टी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा आपका 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बस इतने आपको करना है, एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए। क्वेश्चन ये था कि 9 मोल, यहाँ पे 9 का मतलब कुछ भी नहीं है, कह सकते हैं 9 यहाँ पे बस वैसे दिया है, समझ सकते हैं। 9 मोल आदर्श गैस को जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, पहले किस पे था, 0 डिग्री, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस किया, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे था स्थिर दाब पर, यानी कि जो प्रेशर था वो यानी कि स्थिर था, दाब स्थिर है तो क्या रिलेशन बनेगा, यानी कि आइडियल गैस के लिए V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। बस इसमें आप वैल्यू यानी कह रहा है जो आयतन होगा कितने टेम्परेचर तक उसको दोगुना हो जाए, तो पहले आयतन कितना था V, अब कितना हो जाए 2V। बस आपको यहाँ पे T की वैल्यू निकालना था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह सकते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ये है कि सी यानी कि सी क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और यानी कि सल्फर की विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच में सही संबंध क्या होगा, यानी कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस और यानी कि सल्फर के बीच में विद्युत ऋणात्मकता, यानी कि कह सकते हैं कि विद्युत यानी कि सकते इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, किसी भी यानी कि बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है किस पदार्थ की सबसे अधिक होगी, जिसकी सबसे अधिक होती है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे उसी की अधिक होती है, इसमें कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो सही होगा, यानी कि पी दिया है, उसके बाद दिया ऑप्शन नंबर बी में दिया है पीसी, यानी कि यस दिया है और एन दिया है, समझ, ठीक है, इस तरह से आप समझते हैं। तो ये होगा पी सी एन एस और एन होता है इसमें, यानी सबसे अधिक किसका होगा, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 3 होता है, और फास्फोरस का आपका लगभग 2 होता है, कह सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप निकाले, और इसके बीच में होता है यानी कि इसका लगभग होता है 2.1 होता है, और इसका होता है 2.9 कह सकते हैं, देखिए इस तरह, ठीक है, यानी किसकी यानी कि सबसे अधिक होगा, तो आपका नाइट्रोजन का सबसे अधिक होगा, उसके बाद यानी कि सल्फर का, उसके बाद यानी कार्बन का होगा, उसके बाद इसका फास्फोरस का होगा, सबसे कम इसमें, देखिए जैसे जितने धातु होंगे उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन ये कि मेथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को, यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन की, मेथेन भी जितना आप यानी कि मान लिए कुछ मात्रा आप ले रहे हैं तो उतना ही मात्रा आप ऑक्सीजन का भी ले लीजिए, कह रहा है मेथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को
एक खाली बर्तन है 25 डिग्री सेल्सियस पर मिलाया जाता है, यानी कि जहां का टेम्परेचर, यानी कि रूम का टेम्परेचर कह सकते हैं, जहां पे मिलाया जा रहा उसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया आंशिक दाब कितना होगा? देखिए जब ऐसा समझिए, ये सवाल आपको बस इसमें कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे ही नॉर्मली समझना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब मात्रा समान होगा तो उसका जो दाब होगा कह सकते हैं वो भी समान होगा। यानी कि कहने का मतलब ये होगा जब मात्रा क्या होगा, मात्रा समान हो तो दाब भी समान होगा। यानी कि जो दाब होगा आंशिक दाब होगा कह सकते हैं, आंशिक दाब वो भी क्या होगा आपका समान होगा। समझ सकते हैं, ये तो समान हो गया, समझ सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या, कह रहा है कि कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब, तो बताइए जब आधा यानी कि जब बराबर होगा तो बराबर का मतलब क्या, इसमें किसमें पूछा? अगर ये पूछा कि कुल दाब कितना होगा तो आपका बराबर होगा, लेकिन इसमें ये पूछा कि कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब, सिर्फ ऑक्सीजन का पूछा गया, तो बताइए जब बराबर होगा तो उसका आधा ही तो होगा कह सकते हैं। तो यानी कि कुल कह सकते हैं कि अगर कुल दाब में ऑक्सीजन का कह सकते हैं आंशिक दाब कितना होगा तो आपका 1/2 होगा, यानी कि आधा होता कह सकते हैं। जिसका जो सही होगा आधा किसका दिया कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। क्वेश्चन के बारे में मैं समझ जा रहा हूँ, देखिए आप समझिएगा। क्वेश्चन ये कह रहे हैं मेथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा, जब मात्रा समान होगा तो जो दाब भी होगा वो समान होगा। तो क्या होगा, मात्रा समान होगा तो दाब यानी कि आंशिक दाब या दाब समान होगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि कुल दाब हमारा कितना है भाई, बराबर है, जितना भी होगा एक आधा होगा, चाहे जो भी कह सकते हैं कुल होगा। तो कह रहा है कि जब कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया आंशिक दाब कितना होगा, तो जब हमारा यानी कि मेथेन और ऑक्सीजन का बराबर है तो कह सकते हैं कि सिर्फ हमको ऑक्सीजन का निकालना होगा, क्या होगा उसका आधा ही तो होगा कह सकते हैं। ठीक है, बस इतना आपको करना था, इसमें कुछ करना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये है कि किसी चुंबकीय सुई को असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यानी कि तब चुंबकीय सुई पर कार्यरत रहता है। यानी कहने मतलब ये हो कि जब किसी चुंबकीय सुई मतलब समझ सकते हैं ना, कि यानी कि जो होता है जिससे हम यानी कि नॉर्थ और पोल यानी कि कह सकते हैं कि नॉर्थ और साउथ का कह सकते हैं कि निर्धारण करते हैं, दिशा का निर्धारण करते हैं, जो सुई इस तरह से घूमती रहती है दिशा सूचक के रूप में कह सकते हैं, तो उसको कह रहा है असमान चुंबकीय क्षेत्र। असमान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब कि जहाँ पे यानी कि चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन असमान है, कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है कह सकते हैं। अगर उसी चुंबकीय सुई को हम कहीं पे रख दें, यानी कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू कभी समान रहे, कभी ज्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, वहां पे रख दें, तो उसमें क्या होगा, यानी कि चुंबकीय सुई पर क्या कार्य करेगा, कुछ बल कार्य करेंगे और कुछ बल आघूर्ण कार्य करेंगे। दूसरा दिया कि कुछ बल परंतु बल आघूर्ण नहीं रहेगा, कुछ बल आघूर्ण परंतु बल नहीं रहेगा, न तो बल रहेगा न ही बल आघूर्ण, बताइए क्या होगा। इसमें देखिए कुछ बल भी रहेंगे और कुछ बल आघूर्ण भी आपके रहेंगे, दोनों रहेगा कह सकते हैं, देखिएगा। ठीक है, यानी कि कुछ बल रहेगा, कुछ या मैं कुल लिख दूं, कुछ बल भी रहेगा और कुछ आपके यानी कि बल आघूर्ण भी रहेगा कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि बल आघूर्ण तो आपको दोनों रहेगा, ऑप्शन नंबर जो ए सही होगा वो सही होगा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था देख लीजिए एक बार आप, यानी कि कह सकते हैं कौन सा क्वेश्चन था ये आपका, यानी कि कह सकते हैं कि अब तक का यानी कि 15 नंबर का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज के 16 नंबर के क्वेश्चन पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। ये सब क्वेश्चन देखिए फिजिक्स के जो सवाल होते हैं अधिकतर अगर कह सकते हैं वो सिर्फ आपके सोचने के ऊपर हो, कैलकुलेशन तो बात की बात होता है, जब आपको सूत्र याद होगा तो कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, जैसे होता है मान लिया अब ये दीवार है, हम इसको धक्का देना चाहते हैं। ठीक है, कह रहे एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल होगा, भाई दीवार है तो हमसे तो थोड़े ना गिरेगा, एक आदमी से ना तो हिलेगा, तो कह रहा है कि वह करता क्या है, यानी उसके द्वारा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई भी कार्य नहीं हो रहा। फिर दिया है कि ऋणात्मक कार्य हो रहा है, धनात्मक पर अधिकतम कार्य नहीं है, अधिकतम कार्य क्या हो रहा होता है, यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जब कोई व्यक्ति किसी दीवार को मान ली मैं इस तरह से धक्का देता हूँ तो दीवार तो कहीं घुसका नहीं, ना तो आगे गया ना तो पीछे, उसके द्वारा किया गया यानी कार्य क्या होगा कह सकते हैं। तो कार्य क्या ऋणात्मक होगा या कुछ कार्य नहीं होगा या धनात्मक पर अधिकतम कार्य नहीं है और यानी कि अधिकतम, देखिए ऐसा समझिए, यानी कि क्या होता कार्य की पहले परिभाषा समझते हैं, यानी कि कार्य क्या होता डब्ल्यू बराबर यानी कि एफ इंटू डी होता कह सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर थीटा भी ले सकते हैं तो क्या होता कॉस थीटा होता, समझ सकते हैं। तो यहाँ पे थीटा का मतलब कुछ भी नहीं समझ सकते, थीटा मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वहां पे कुछ देख, एफ डी एफ मतलब क्या होता है यानी कि आपका बल होता है और डी का मतलब होता है बल यानी कि बल की दिशा, यानी कि बल के दिशा में ही कह सकते हैं विस्थापन होना चाहिए, यानी कि बल बल की दिशा में यानी आप इधर लगा रहे बल की दिशा में कह सकते हैं कि विस्थापन होना चाहिए इस तरह से, उसको यानी कह सकते हैं कि आप उसको बल कार्य कहोगे, यानी कि बल लगाइए जैसे मान लिया आप इधर बल, यानी कहने मतलब हमने इधर बल लगाया तो ये इधर यानी कि इसी दिशा में घूमना चाहिए, ये नहीं कि इधर आ रहा है इसका मतलब तो निगेटिव हो जाएगा, यानी कि बल लगाया और बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो उसके द्वारा जो दोनों गुणनफल होता है कितना आपने बल लगाया और कितना वो विस्थापित हो यानी कि कितनी दूरी तक चला कह सकते हैं कि वो उसका यानी कि दोनों का गुणनफल कार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बल तो लगाया भाई, बल तो उसने कुछ भी दिया होगा, चलिए वैल्यू कोई नहीं दिया, बल हमने मान लिया निकाला 5 न्यूटन का, मान लिया हमने बल लगाया कह सकते हैं,
लेकिन विस्थापन हुआ कहीं दीवार कहीं घुसकर तो उनको आगे या पीछे हुआ कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा विस्थापन जीरो हो गया। जब विस्थापन जीरो होगा तो क्या होगा आपका किया गया कार्य क्या होगा जीरो होगा बस, यानी कि इसमें करना होगा यानी इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता। जैसे क्या होता है कहते हो कि यार दिन भर आपके घर वाले कहते यार दिना भर बैठे रहो तो कुछ करते नहीं कहें, तो वही चीज है कि कह सकते हैं कि बैठा हुआ व्यक्ति या अपने सिर पे कुछ व्यक्ति लिए हो यानी कि कुछ लोग उठा के ले जाए वजन फिर भी उसके द्वारा किया गया कार्य कोई यानी कि कुछ नहीं होता कैसे, ठीक है। तो आपको अच्छा समझ यानी पुली जो होता है क्या होता है स्टेशन पे चलता है तो उसके ऊपर इतना भी बैग लगा हो लेकिन उसके द्वारा किया गया अगर फिजिकल यानी कि फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो कोई कार्य नहीं करता कैसे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये देखिए पीएच वैल्यू है, क्वेश्चन है कि एन बाई 1000 एचसीएल में पीएच का मान बताइए। अब देखिए पीएच की वैल्यू यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कह सकते हैं आपको निकालना होगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एन बाई 1000 यानी कि ये नॉर्मलता होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है यानी कि एचसीएल में हमको निकालना, इसमें हमको निकालना है पीएच की वैल्यू निकालना। तो देखिए यहाँ पे 1000 है तो 1000 को हमको लाना होगा पॉजिटिव यानी कह सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 10^-3 यानी कह सकते हैं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई इतना तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए पीएच की वैल्यू यानी कि सूत्र क्या होता है पीएच बराबर यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है माइनस के साथ होता है माइनस लॉग होता है और क्या होता है यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है। ये आपको याद होगा हाइड्रोजन के जगह पे हाइड्रोक्साइड भी होता है यानी कि OH माइनस कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए क्या होगा यानी कि अब देखिए तो ये किसके बराबर होगा यही तो आपका होगा यानी कि हाइड्रोजन यानी कि आयन के ही बराबर होगा। आप इस तरह से ब्रैकेट में कर सकते हैं इसको यानी कि इसके बराबर देखिए तो माइनस हो जाएगा लॉग और ये किसके बराबर देखिए हाइड्रोजन आयन किसके यानी कि 10^-3 तो आप यहाँ पे -3 रख सकते हैं। इसके बाद देखिए अब इसको क्या होगा लॉग को हल ही तो करना है ये क्या होता है पावर को आगे लाया जाता है तो माइनस पहले से था और -3 और क्या होगा लॉग 10 कह सकते हैं। तो देखिए जब यानी कह सकते हैं कि जब यहाँ पे 10 होता है और बेस भी 10 होता है तो यहाँ पे इसको लिखा नहीं जाता है बेस को यानी वो छुपा रहता है यानी कि जब कुछ नहीं लिख रहा है वो जाएगा बेस 10 है, अगर वहाँ पे कुछ लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ दूसरा यानी ई लिखा रहेगा तो उसका वैल्यू कुछ दूसरा होता है। देखिए यहाँ पे -- क्या होगा हमारा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा यानी कि कहने वाला ये होगा कि लॉग 10 यानी कि लॉग 10 और बेस भी जब 10 होता है इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो ये सब आप मैथ में पढ़े होंगे नहीं पढ़ोगे तो आप लॉग पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं कितना होगा यानी कि इसका जो पीएच वैल्यू होगा वो 3 होगा। तो 3 कौन सा दिया यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो पीएच के कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपको यानी कि अच्छे से तैयार कर लिया पीएच के। देखिए आगे क्वेश्चन है कि कह रहा है कि वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण इस यानी कह सकते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है यानी कि जो वनस्पति तेल होता है कह सकते हैं जो हम लोग यूज करते हैं डालडा उल्टा समझ सकते हैं वही आपका वनस्पति तेल होता है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होगा जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक उत्प्रेरक मतलब होता है कैटलिस्ट। देखिए उत्प्रेरक आपके कई प्रकार के होते हैं उत्प्रेरक मतलब ऐसा मैं एग्जांपल आपको दूं उत्प्रेरक उसे कहते हैं जैसे जो आपके अंदर यानी कि कुछ करने के यानी कि क्षमता लाते जैसे आप यार दिन भर बैठे हो यार कुछ कर नहीं रहा है मजा नहीं आ रहा कुछ नहीं कर आपने कोई वीडियो यूट्यूब पे जाके यानी कि मोटिवेशन देख लिया तो आपके अंदर क्या आ गया यार कुछ करो यू उसने कर दिया मैं भी कर दूंगा वही चीज यानी कि जो आपका वो वीडियो उत्प्रेरक की तरह से यानी कि उसने कार्य किया आपके अंदर एनर्जी लाया वो उत्प्रेरक हुआ। उसी तरह से होता है कि कोई आप यानी कि कोई मटेरियल बना रहे हैं यानी कि कोई पदार्थ या यौगिक बना रहे हैं उसमें यानी कि कह सकते जो इसकी क्रिया को बदल दे या कुछ यानी कि तेजी से कार्य करा दे यानी कि जो समय लग रहा उसको कर दे या यानी कि जो बन रहा हो यानी कि कैसे अच्छा से बन जाए वही आपका उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक देखिए वही चीज है आप YouTube पे बढ़िया वीडियो देखें तो आपका मन अच्छा रहेगा आप बेकार देखें तो आपका मन बेकार रहेगा यानी कि क्या होगा उत्प्रेरक जो होगा वो यानी कि धनात्मक भी कार्य करता है निगेटिव भी करता है हर प्रकार से काम करता है समझ सकते हैं। तो इसमें आप समझिए कि आपको ये पूछा गया है कि जो आपका यानी कि देखिएगा क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ये था कि वनस्पति तेल यानी कि वनस्पति तेल वनस्पति में लिख रहा हूँ वनस्पति तेल वनस्पति तेल को अगर हम हाइड्रोजनीकरण यानी कि हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा यानी कि आपका यहाँ पे घी बनता है समझ सकते हैं यानी कि आपका देसी घी कह सकते हैं घी बनता है। तो इसमें यानी कि घी बनाने के लिए हमको कौन सा कैटलिस्ट यूज करना होगा तो आपका जो होता है यानी कि कह सकते हैं कि आपका यानी कि पी यानी कि कौन सा दिया जैसे आपका पीटी दिया है यानी O2 दिया है निकिल दिया या फिर तो यहाँ पे निकिल होगा समझ सकते हैं मैं दूसरी चीज के बता रहा था यानी कि कह सकते हैं निकिल होगा यानी कि निकिल जो आपका कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक यानी कि होगा उसकी उपस्थिति के कारण अगर हम निकिल ना लगाएं यानी कि यहाँ पे निकिल ना दे उत्प्रेरक के रूप में तो आपका दूसरा कुछ बन जाएगा इसीलिए आपको निकिल देंगे तभी आपको वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे तब आपका घी बनेगा कह सकते हैं। ठीक है तो ये अच्छा क्वेश्चन था आगे बढ़ा जाता है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन यानी एक प्रोटॉन कह सकते हैं 3.1×10^7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है प्रोटॉन पर लगने वाला बल कितना होगा यानी हमको क्या निकालना फोर्स निकालना प्रोटॉन के ऊपर लगने वाला बल। देखिए यानी कि आपने जब यानी कि चुंबक पढ़े होंगे तो आप वहां पे एक सूत्र पढ़ेंगे क्या फार्मूला पढ़ेंगे या बराबर क्या होता मैं थोड़ा सा यहाँ पे लंबा करूंगा या बराबर क्या होता क्यू वी एल
यानी कि कह सकते हैं कि आप साइन थीटा भी पढ़े होंगे, यानी कि इस तरह से ठीक है, क्यू वी एल यानी कि साइन थीटा आपने पढ़ा होगा। कह सकते देखिए वी आप यहाँ पे देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, यानी क्या होता है, यानी ये बराबर होता है क्यू बी एल होता है, एल साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है कह सकते हैं ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। क्यू यहाँ पे क्या आ गई, उसके ऊपर जो आवेश होता है, यानी इस तरह से समझ सकते हैं, और आपका ये जो होता है यानी कि देखिए क्यू बी एल यानी कि बी आपका जो होता है यानी दस में दिया कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता कह सकते हैं, इस तरह से दिया है। तो कहिए क्या आप इसको रख लीजिए, क्यू की वैल्यू कितना होता है किसी भी यानी कि प्रोटॉन दिया तो उस पर आवेश कितना होता है, यानी कि 1.6 गुणे 10 में घात माइनस 19 होगा। वी की वैल्यू यानी कि बी की वैल्यू कितना दिया सवाल में आपके, यानी कि कह सकते हैं कि दिया है 3. बी की वैल्यू ये दिया है आपका है 0.5 वाला 0.5, और यानी कि एल की वैल्यू दिया आपका यानी कि 3.1 गुणे 10 में घात कितना दिया बताइए, कुछ वैल्यू कुछ दिक्कत नहीं है साथ। और साइन थीटा देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, साइन यानी कि जीरो, अब जीरो अंश क्यों लिया गया ये समझे, देखिए कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर चला, यानी कि जब कह रहा है कि चुंबकीय जो क्षेत्र होगा वो जब एक दिशा यानी कह सकते समांतर में चलेगा इस तरह से, यानी कि इस तरह समांतर में जा रहा है तो उसके बीच में एंगल कितने का बनेगा बताइए, इसके बीच में एंगल कितने का बनेगा, जीरो डिग्री तो बनेगा, तो यानी कि जो साइन जीरो का मान कितना होता है बताइए। अब आपको ये सब यानी कि कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना, बुरा भाग मत करिए, साइन जीरो की मान कितना होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है कह सकते हैं, जब ये आपका जीरो हो गया तो पूरा आप जीरो में कोई गुणा कर दे किसी संख्या तो कुल जीरो हो जाएगा, यानी यफ की जो वैल्यू आगा आपका जीरो, यानी कि जीरो न्यूटन का बल उत्पन्न, तो बस कुछ नहीं करना आपको, ये इतना बड़ा बड़ा अंक देख के घबराना है यार, ये कैसा सवाल था। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए तब आपको समझ में आए, क्वेश्चन ये था कि एक प्रोटॉन 3.1 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड के वेग से 0.5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर प्रवेश करता है, यानी कि समांतर प्रवेश कर रहा है समझिए ठीक है, कह रहा प्रोटॉन पर लगने वाला बल तो कितना लगेगा, बल क्या कितना लगेगा बताइए, यानी कि आपका लगेगा 0 न्यूटन का। अगर इसी में कह दिया लंबवत प्रवेश करता है तो साइन 90 का मान 1 होता है, तब आपको इतना पूरा गुड़ा उड़ा यानी कि आपको पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वो तो बात की बात है। देखिए भाई कंपटीशन है तो होता क्या है कि सवाल बड़ा रहता है लेकिन उसका जो कैलकुलेशन या कि जो सॉल्यूशन होता है वो छोटा ही दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि आज के नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मा मापी में 40 डिग्री सेल्सियस दिया है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा है, विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उसमें निकल जाने पर जल का ताप क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आया जाएगा। देखिए आपने ये भी पढ़ा होगा यानी कि उष्मा गति का नियम भी, यानी कि कहते हैं उष्मा कहते हैं कि आपने उष्मा के नियम भी आपने पढ़ा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं कि यानी कि ली गई उष्मा बराबर दी गई उष्मा कह सकते हैं, तो वही होगा यानी कि ली गई, देखिए यानी यहां पे मैं लिख रहा हूं दी गई उष्मा बराबर क्या होता है ली गई उष्मा ठीक है, यानी कि दी गई उष्मा आप किसी को उष्मा दे रहे, देखिए होता क्या कि जैसे क्या होता है ऊर्जा को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, बस हम क्या कर सकते हैं यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में चेंज, उसी तरह से आपका उष्मा भी होता है, इसको भी हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं न तो नष्ट कर सकते हैं, इसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं एक रूप से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करें यहां से दिया और यहां पे आके कहीं तो एक जगह मतलब होता ना कि इकट्ठा हो कह सकते वही चीज कर रहा है, तो इसमें कह रहा है कि 50 ग्राम जल तुल्यांक वाले उष्मा मापी में 40 डिग्री सेल्सियस पर 150 ग्राम जल भरा हुआ है, विकिरण द्वारा 0.8 किलो कैलोरी उष्मा उत्पन्न निकल जाने पर जल का ताप, तो जल का ताप आप क्या मानिए, जल का ताप जो होगा आपको यानी कि टी मान लिए कोई दिक्कत नहीं, जल यानी कि टी डिग्री सेल्सियस समझ सकते हैं। तो देखिए पहले कितना था 50 ग्राम जल यानी इस तरह से तो कितना रहा होगा यानी कि 40 माइनस टी यही तो उसका निकलेगा भाई, यानी कि ये हो गया आपका पदार्थ का और ये हो गया आपका जल का, तो उसमें से जो अंतर आएगा वही निकल जाएगा, प्लस आपका कितना दिया 150, वही चीज आपको यहाँ पे करना होगा 150 गुणे 40 माइनस आपको टी करना होगा बराबर, यहाँ पे कह रहा है कि विकिरण द्वारा यानी कि उसके द्वारा निकला कितना निकला तो वही तो इसको प्राप्त होगा कितना 0.8 किलो कैलोरी, लेकिन यहाँ पे 0.8 किलो कैलोरी कैलोरी का यानी किलो किलो मतलब कितना होगा 1000, तो यहाँ पे आपको 1000 का गुणा करना होगा, बस इसी इतना को आप हल के लिए जो टी का वैल्यू आएगा वही इसका आंसर होगा। तो आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा और जल्दी कर सकते हैं, देखिए यानी कि 50 थी यानी कि देखिए तीन बार यहाँ कट जाएगा और ये कितना जाएगा 50 की बार कितना है, देखिए 50 अगर मैं यहाँ पे काट दूं तो यानी कि 20 बार जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा ये तो पूरा कट गया यानी कि 40 टी, मैं थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जल्दी हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 40 माइनस टी और प्लस 3 चौका 12 120 और हो जाएगा आपका माइनस 3 टी और ये कितना होगा 20 का इसमें पूरा करेंगे तो ये तो 10 गुणा हटाएगा यानी कि 2 × 8 = 16 हो जाएगा। अब भाई देखिए यहाँ पे कितना होगा 40 और यानी कि 120 कितना होगा 160 हो जाएगा और ये कितना होगा माइनस 4 टी और यानी कि आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको आप इधर ला सकते हैं यानी कि माइनस 4 टी और ये होगा 16, इसमें से घटाएंगे कितना होगा सीधे सीधे 100 यानी कि 44 समझ सकते हैं 144 होगा,
टी बराबर कितना होगा कह सकते हैं, ये देखिए टी बराबर कितना होगा भाई 144 से बाई 4, यानी कि माइनस के साथ आएगा क्योंकि भाई निकल रहा है, इस तरह से समझ सकते हैं। तो ये कितना होगा, चार यानी कि चार तिया 12 और यानी कि 4 से 24 36 डिग्री सेल्सियस होगा, यानी कि जो जल का टेम्परेचर था वो कितना था 36 डिग्री। तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होगा, उसमें से यानी कि निकल रहा कह सकते हैं, ठीक है समझ ना, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि कह रहे हैं एक चिकने न तो समतल पर कोई पिंड विरामावस्था में, यानी कि एक कह सकते हैं चिकना एकदम, यानी कि होता है ना कि यानी कि पेंट किया हुआ है जिसपे एकदम कह सकते हैं कि एकदम प्लेन है कैसे सीधे सीधे। एक चिकने न तो तल पर समतल पर कोई पिंड विरामावस्था में से 4 सेकंड में कुछ दूरी सरकता है, तो उसकी आधी दूरी सरकने में उसके लगा समय कितना होगा। देखिए आधी दूरी में पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, पढ़िएगा इसको लगाइएगा। देखिएगा क्वेश्चन ये था कि मैं अब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये था कि एक चिकने नत समतल पर कोई पिंड विराम अवस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी मतलब कितनी दूरी चलता है, यानी कह सकते देखिए यानी कि दूरी कितनी चलती है। देखिए यस बराबर क्या होगा, यानी कि यू टी, ये यू है और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है आपका, यानी कि यस बराबर दूरी, यस दूरी होता है डिस्टेंस होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई पिंड जो विराम अवस्था, जब विराम अवस्था में कहेगा तो वहां पे यू की वैल्यू 0 होती है, यानी कि प्रारंभिक वेग जो होगा 0 होगा, तो U 0 होगा तो T भी आपका 0 होगा, तो बचेगा कितना हमारे पास S बराबर। देखिए मैं इस तरह से दिखा दे रहा हूँ, यहाँ किसी डिजाइन बना क्योंकि S और 5 में आपको अंतर होना चाहिए, तो ये होगा आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2 A, आपको ऐसे रह लीजिए T कितना दिया गया था 4 सेकंड में कितना दूरी चला होगा, तो 4 यहाँ पे 4 × 4 समझ सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये कितना होगा आपका यहाँ पे 2 यानी कि 2×4 S बराबर कितना होगा A यानी कि × 8 या 8 A कर सकते हैं, तो यहाँ से A की वैल्यू कितना निकल जाएगा, A की वैल्यू आपका निकल जाएगा S/8, यहाँ से आपका निकलेगा ये क्या होगा त्वरण निकला है कह सकते हैं। अब आगे देखिए कह रहा है कि तो आधी दूरी सरकने में, ये हो गए यानी कि पूरी दूरी सर जब चल रहा था, तो इसमें क्या पूछा था यानी कि कैसे थे, क्वेश्चन ये था कि एक चिकने न तो समतल पर कोई पिंड विराम अवस्था से 4 सेकंड में कुछ दूरी चलता है, तो 4 सेकंड में कितना दूरी चला, यानी कि दूरी अगर निकालेंगे तो 8 A यानी कि निकलेगा, तो यहाँ पे नहीं तो A की वैल्यू पता नहीं है, उसके रहने दिए। अब कह रहा है अगर वह आधी दूरी चले, तो पूरी दूरी ये था, आधी दूरी हमारी कितनी होगी भाई, आधी दूरी का मतलब क्या होता है, पूरी दूरी का आधा, तो ये पूरी था हमारा, इसका आधा हो जाएगा यानी कि S/2 हो जाएगा, समझ सकते हैं ये यस है, तो कितना होगा यानी कि UT, देखिए अभी भी आपका UT 0 होगा क्योंकि प्रारंभिक यानी कि विराम अवस्था 0 है, कितना होगा 1/8T² हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, यानी कि S/S रहने दीजिए, S/2 यहाँ पे रहने दीजिए, 1/8 यहाँ से आप A की वैल्यू पता है आपको, A की वैल्यू हमने कितना निकाला है S/8, तो आप यहाँ पे रख दीजिए यानी कि S/8 कह सकते हैं, यह हो जाएगा 8 और यानी कि आपका T² हो जाएगा। देखिए यस से यस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास यानी कि T² आपका 8 बचेगा, यानी कि T जो होगा टाइम जो होगा यानी कि स्क्वायर वो 8 के बराबर, तो T बराबर कितना होगा हमारा बताइए, √8 की वैल्यू कितना होता है 2 यानी कि 2√2 यही तो होता है यानी कि सेकंड में हो जाएगा, यानी कि आधा दूरी जो उसको चलने में कितना समय लगेगा 2√2 यानी कि कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा कह सकते हैं, ठीक है। इस सवाल में देखिए कुछ भी नहीं था, ये आपका यानी कि पूरी दूरी जब चला 4 सेकंड में, ये कहा कि जब आधी दूरी का मतलब क्या होगा, ये जहाँ पे पूरी दूरी यस था वहीं पे आधी दूरी कितना होगा, उसका आधा होगा तो S/2 होगा और ये √2 होगा, बस इतना करना था, समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो नेक्स्ट नंबर हमारा जो भी क्वेश्चन नंबर हमको याद नहीं है, क्वेश्चन नंबर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है कि सोडियम जियोलाइट का यानी कि कह सकते हैं कि जियोलाइट का सूत्र क्या है। देखिए केमिस्ट्री में कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन तो आते आते हैं, उसके बाद यानी कि केमिकल फार्मूला यानी कि कह सकते हैं रासायनिक सूत्र भी आते रहते हैं, तो देखिए पढ़ लीजिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, Na2Al2O यानी कि O8 2NaAl2Si2 Na2Al2Si2O8 NaAl2SiO8, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा, यानी कि क्या था क्वेश्चन की यानी कि सोडियम जियोलाइट का, तो सोडियम जियोलाइट का जो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही होगा। तो आप ऐसे ऐसे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में जो आते हैं और कई बार आ चुके हैं, तो आप उनको क्या करिए उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसका होगा यानी कि Na2SA यानी कि Na2Al2SiSi2 कह सकते हैं और O8 होगा इसका, यानी कि सोडियम जियोलाइट का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि आज का जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर लास्ट नंबर क्वेश्चन अगर आप वैसे ही करना चाहें तो आप आसानी से बता सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक मनुष्य 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके द्वारा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उपयुक्त लेंस होगा, यानी कौन सा लेंस वहां पे यूज होगा। देखिए अभी हमने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ये कहते हैं कि अगर उसको दूर की वस्तु यानी कह सकते हैं आसानी से दिखाई दे, समझिए
यानी कि किसी व्यक्ति को अगर दूर की वस्तु आसानी से दिखाई देती है तो उसको क्या होगा, और निकट की वस्तु आसानी से यानी कि कह सकते नहीं देख सकता, यानी कि निकट की वस्तु नहीं देख सकता, उसको कौन सा दोष होगा, उसको दूर दृष्टि दोष होगा। अब कोई व्यक्ति है जो निकट की वस्तु अच्छी से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। समझ सकते हैं ना, ये देखिए नाम उल्टा पड़ा है, आपको समझ आएगा, ये मत समझ यार कोई गलत बता रहा है, यानी कि उसका दूर की वस्तु अगर आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, निकट की वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है तो आपको दूर दृष्टि, और निकट की वैल्यू आपको अच्छे से यानी कि निकट की वस्तु आपको अच्छे से दिखाई दे रही है और दूर की नहीं दिखाई दे रही तो आपको निकट दृष्टि दोषों का। समझ सकते, अभी हमने बताया कि डी यू एन ए यानी किसी व्यक्ति को अगर यानी कि दूर दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस, यानी कि कह सकते हैं तो उत्तल लेंस, और अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस, यानी कि अवतल लेंस होगा। तो इसमें देखिए पता है क्या हो रहा है, कह रहे हैं एक वस्तु 50 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 50 सेंटीमीटर से दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, 50 से कम पे नहीं देख सकता, इसका मतलब क्या होगा, उसको निकट की वैल्यू क्या होगा, निकट की वस्तु दिख नहीं रही है, तो जब निकट की नहीं दिख रही इसका मतलब दूर का दिखाई दे रहा, तो जब दूर का यानी कि इसको दिखाई दे इसका मतलब क्या होगा, दूर दृष्टि दोष, जब दूर दृष्टि दोष होगा तो कौन सा लेंस, आपका उत्तल लेंस होगा। आप या इसको निकाल भी सकते हैं, कह सकते हैं अगर आप निकालेंगे तब भी आपका अगर यानी कि कह सकते हैं कि आपका जो फोकस दूरी एफ यानी कि अगर पॉजिटिव में आएगा तो हम क्या बताए थे, यानी कि अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है आपका उत्तल लेंस होता है, और अगर अगर एफ की वैल्यू निगेटिव आएगा तो यानी कि माइनस सात तो आपका अवतल लेंस होता है। तो ये पहचान होता है, अगर आपको ये तरीका नहीं याद है तब समझ सकते हैं। तो ये थे हमारे यानी कि आज का जो सातवां आपका से यानी कि पार्ट हमारे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो सातवां पार्ट है उसके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो भी क्वेश्चन हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नया समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा और दोबारा मैं इसको लगाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप वीडियो को शेयर जरूर करें। तो इसी तरह से आप केएलडी क्लास में बने रहे, केएलडी क्लास में बने रहे, आप सभी दोस्तों को केएलडी क्लास की ओर से धन्यवाद।